भाई कॉलेज ट्रिप के नाम पे लोग गोवा मनाली जाते हैं, पर हम कुछ दोस्त, और कुछ से मेरा मतलब एक दो या चार नहीं, पूरे 14 लोग जाते हैं वृंदावन घूमने। भाई ट्रेन में आ गए और एक में बैठे साथ। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रेनिश। श्री रेनिश जी, हियर इज योर दोस्त एंड गोस्ट। और ना तो उस रात हम सोए, ना हमारे कोच के लोग। भैया 6 जनों के केबिन में 14 जने बैठे हैं। राइट वाले भैया को इक्का मिला है, पर 4 हैं। हाँ ये वाले में इक्का और नीचे 14। और ऐसे ही मस्ती करते हुए हम पहुंच जाते हैं मथुरा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। फिर हम पहुंचते वृंदावन। और तो यार सब रेडी हो गए, हम चल रहे घूमने के लिए वृंदावन। इतना सवेरे इस्कॉन जाएंगे और देखते हैं, क्योंकि प्रेम मंदिर वगैरह शाम को देखने के लिए ज़्यादा सही है। हम लंच करते हैं फिर इस्कॉन जाते हैं। पंक्चुअल आदमी भाई हमारे ग्रुप में, ये समय से पहले हर जगह आके बैठ जाएंगे। हर जगह आके तो लंच के बाद वृंदावन की इन गलियों से घूमते हुए हम आ जाते हैं निधिवन। तो अब 4 बज चुके थे और समय हो गया था श्री बांके बिहारी लाल के पट खुलने का। मंदिर आए और अथा भीड़ हो रही है, अथा भीड़। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती। तो अगली सुबह फटाफट तैयार होके हम जाते हैं केशी घाट। अब 2200 की बोटिंग 500 में करने के बाद हम जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। Thank you.
और इस ढलती शाम के साथ हम पहुंचते हैं श्री राधा रानी मंदिर बरसाना। रात के 11:30 हो गए और फाइनली होटल आ गए हैं आगरा। ये रहा हमारा। अब आगरा आने की दो वजह थी, पहली क्योंकि हमारी ट्रेन वहां से थी और दूसरी ताजमहल। भाई ताजमहल को जब ना फोटो में देखते हैं तो इतना पता नहीं चलता है, पर यहाँ आके समझ आता है कितना ग्रैंड स्ट्रक्चर है। हमारी ट्रिप हो गई स्टार्ट और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ है। ये देखो, मतलब बस स्टेशन पहुंच ही रहे थे और टायर गया भाई, टायर पंचर ब्रेक में ब्लू।